अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ढाबा देसी में चिकन सूप बनाना सिखाएंगे। जो कि आप जानते हैं, सर्दियों का मौसम है तो यह सूप आपके लिए मुफीद होगा। इसके लिए हम आधा किलो बोनलेस गोश्त और उसमें हम 10 दाने काली मिर्च के, 3 तोरियां लहसुन के और एक अदरक का टुकड़ा डालकर पानी में उबाल लेंगे। अब यह हमारा चिकन मुकम्मल तौर पर पक चुका है और अब हम इसको एक लादा बर्तन में छान लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये हमने जो सा चिकन अच्छी तरह से छान लिया था, अब हम इसके रेशे बनाने लगे हैं और अब हम इन्हें 2 कांटों की मदद से अच्छी तरह से इनके रेशे बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जो हमने चिकन के सूप बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमने ये बीच में चिकन के सूप डाल दिए हैं और अब हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पर ब्राउन नहीं हो जाते। अब ये मुकम्मल तौर पर ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ब्लैक सोया सॉस डाल देंगे जो 2 चम्मच के बराबर है। इसके बाद जो हमने यखनी निकाल के अलग रख ली थी वो हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 स्पून काली मिर्च और 1 स्पून नमक डाल देंगे। इसके बाद हम चिकन क्यूब बीच में डाल देंगे जो इसके जायके और खुशबू को और बढ़ा देगा। और अब हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल डाल देंगे। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर बीच में डाल देंगे जो इसको ख़राब नहीं होने देगा। और इसके बाद हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और इसमें हमने पानी भी डाला है। आप इसमें जितना कॉर्नफ्लोर हसब जायका डालना चाहें आप बीच में डाल सकते हैं। और इन अंडे की जर्दी निकाल कर उसकी सफ़ेदी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। ये 5 मिनट के बाद हमारा सूप तकरीबन पकने के करीब है। वाह, इसकी क्या खुशबू आ रही है, ये जायके में भी बहुत लजीज है। अब हम इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसको जायके को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा हरा धनिया बीच में डाल देंगे। और अब हम इसको एक लादा बर्तन में डाल लेंगे। क्या बिस्मिल्लाह, और ये अब हमारा सूप मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।